आज भी जो रुपए की कदर में इजाफा हुआ है जब से वो कैप हटा है वो भी हमारे सामने है। कामरान साहब, आपके अपने गवर्नमेंट के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर बेपनाह तनकीद कर रहे हैं और आपकी प्रायोरिटीज इस वक्त पीटीआई को विक्टिमाइज करना है। ये पीटीआई का आपके ऊपर एक बड़ा वजनदार किस्म का एक आर्ग्यूमेंट है जो कि आपके खिलाफ वो लाते हैं। और ये भी बताइएगा, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर क्या तबादले वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि हमने यही चीजें देखी हैं। पीटीआई ने इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को खत भी लिखा है कि ये 25 मई वाले तमाम लोगों को, किरदारों को वापस लेके आ रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में। ने कह दिया कि हम विक्टिमाइज कर रहे हैं स्पीकर्स, स्पीकर तो इनका उसी तरह से इंडिपेंडेंट होता है ना, जैसे कासिम सूरी साहब इंडिपेंडेंट थे 9 अप्रैल को, उसी तरह का इंडिपेंडेंट होता है ना। तो उसका तो सेक्रेटरी भी अलग होता है और वो तो किसी पार्टी का मेंबर नहीं होता ना। तो सूरी साहब भी माशाल्लाह इंडिपेंडेंट थे, तो ये भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इनका अपना सही है। तो आप मान रहे हैं ना एक तरह से कि उतने ही इंडिपेंडेंट है जितने सूरी साहब इंडिपेंडेंट थे। जिम्मेदार और दूसरा बात सुन लीजिए ना, दूसरा कह रहे हैं कि माइज हम कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन भी क्या इंडिपेंडेंट नहीं होता? उसका हुकूमत के साथ क्या ताल्लुक होता है? उसका सेक्रेटरी जाके अगर मुकदमा दर्ज कराता है, मैं जाके किसी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराता हूँ और जाके पुलिस किसी को उसके मुकदमे के पर्सन में गिरफ्तार कर लेती है, तो क्या उसमें हुकूमत जिम्मेदार हो जाती है? तो हुकूमत ने कहां से विक्टिमाइज किया? ये तो ऐसी खाम का जो है ना वो गिरते किसी और चीज से हैं और गुस्सा किसी और चीज पे निकालते हैं। ये बहुत मकबूल है, हम बहुत मकबूल हैं। भाई तुमको किसने कह दिया तुम मकबूल हो? जब इलेक्शन आएगा वो आपको आटे आपको आपका असल में प्रॉब्लम इस बात पे आया उनको कि आपने कहा काबिले कबूल नहीं है। और अनलीब साहिबा ने कहा कि आपने इत्तेहाद भी कभी अपनी मर्जी मर्जी के बनाते हैं इक्तदार के लिए, JUI से के हवाले से ये बात, कभी पीपल्स पार्टी के साथ कभी खिलाफ, ये चीजें तो है ना हमारी देखी भी। सर आप IJI बनी, पीपल्स पार्टी फिर भी जीत गई, तो इसका मतलब ये कि इंजीनियरिंग वर्सेस पॉपुलैरिटी में पॉपुलैरिटी की जीत होती है हमेशा। नहीं क्या 2018 में इंजीनियरिंग नहीं हुई? इन्होंने उस जनरल जनरलों के साथ मिलके जो है ना ये क्या नहीं किया, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में किस किस को इन्होंने अकोमोडेट नहीं किया? ये सारे एक पेज पे नहीं थे जनरलों के साथ? आखिरी 2-4-6 महीने में इनका पेज वो जो है ना वो खराब हो गया, उसमें फट गया।